हेलो एवरीवन, सभी को जय माँ सरस्वती। और बताओ सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट कर दो फटाक से, अगर हाल चाल बढ़िया है तो दिखा दो बढ़िया से, एकदम जैसे हम दिखा रहे हैं उसी तरह एकदम अच्छा है कि नहीं सबका हाल चाल। देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक बार सभी लोग इस क्लास को लाइक कर देगा और शेयर कर देगा, पहली बात तो ये है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर हम कैसे मैथ को पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि मेरा मैथ में 100 आ जाए आराम से। क्योंकि देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम लोग आराम से 100 ला सकते हैं, इसमें कोई स्टेटमेंट में नंबर कटता है नहीं। अगर हम क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। बाकी अदर सब्जेक्ट की तरह इसमें नंबर कटने का थोड़ा कम चांस होता है, इसलिए लोग सोचते भी हैं कि सर इसमें हम 100 में 100 ला सकते हैं कि नहीं। तो ला सकते हो। देखो पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको हम लास्ट तक गाइड किए, लास्ट तक बताएं कि देखो ऐसे पढ़ो, ऐसे रिवाइज करो, ऐसे प्रैक्टिस करो, ये सब क्वेश्चन लगाओ। तो लास्ट टाइम तक वो मेहनत किए और किसी का 97, 98, 99 तक आया, बहुत लोग का 100 नहीं आ पाया। तो बोले सर जी अफसोस तो हो रहा है, हमके लिए अफसोस वाली कोई बात ही नहीं है, 99 भी बहुत है ना। बट इस बार सपना यही है कि यार सब लोग अच्छे से पढ़ो, एकदम बन जाओ अर्जुन सर के हीरो, कि सर आप कहे हैं तो इस बार तो 100 आउट ऑफ 100 हम लोग लेके आएंगे आपके लिए, बस यही चाहते हैं ना। तो साथ में रहना तो, क्योंकि अगर साथ में रहोगे, अगर एफर्ट दोनों तरफ से होगा, हम भी अपना 100% देंगे और तुम सब लोग भी अपना अगर 101% दोगे, तो एग्ज़ाम में मैथ में 100 में 100 कहीं नहीं गया है ना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस ये साथ रहना पड़ेगा, साथ मिलके चलना पड़ेगा, जितना हम कहें उतना करना पड़ेगा और जैसे कहे वैसे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो थोड़ा तेज थे, तो उन्हें हम बताए कि ऐसे करो, तो लोग उन्हें लगे नहीं सर जी ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम कहे ठीक है भाई करो। तो देखो उनका नंबर बहुत अच्छा तो नहीं आया, 92, 93 तक आया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी बात मान लेते वो लोग तो उनका और अच्छा नंबर आता। लेकिन बात देखो ये होता है, लड़के लड़कियाँ बात मानती नहीं है ना, उन्हें लगता है कि नहीं सर हम ऐसे पढ़ते तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ये बेस्ट तरीका है। लेकिन देखो हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़े हैं, हम जानते हैं कि अगर ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, हमें चीज़ें हर चीज़ आ जाएंगी। तो उस चीज़ को हम सोच के बताते हैं और जिनको जिनको हम बताए हैं, जो मेरी बात पूरा अच्छे से माने हैं, एकदम उस तरह सेम टू सेम किए हैं ना, उनका एकदम सही नंबर आया है, 98, 98, 99 ऐसे नंबर आए हैं। लेकिन जो पढ़ने में तेज थे, क्लास भी किए थे, लेकिन बात नहीं माने, तो उसका 92, 93 पटक गया, तो थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन खुश थे, चलो ठीक है कम से कम अच्छा नंबर तो आया ना, इतना ही बहुत है। लेकिन इस बार सपना देखो यही है कि यार सब लोग 100 में 100 लेके आओ, कम से कम मैक्सिमम लोग 100 में 100 लेके आओ। और रही बात देखो डर की, बहुत लोग सर बोलते हैं सर मैथ में तो हमको कुछ आता ही नहीं, हमको बहुत डर भी लगता है, मेन बात तो ये होता है डरते भी हैं। लेकिन तो सबसे देखो एक ही बात हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान है, जैसे अगर हम ही हैं, तो हमसे अगर बात नहीं कर रहे हो तो लगेगा ना सर ये तो बहुत ख़राब है, हम बहुत खड़ूस है, ऐसे कुछ हैं। लेकिन अगर तुमसे बात करो, हमसे मिलो, हाल चाल लो, क्वेश्चन पूछो, डेली बातचीत होता रहेगा, तो लगेगा नहीं सर आप सही है, अच्छे हैं सर, कोई भी चीज़ हो ना या कोई भी हो, स्टार्टिंग में कुछ ख़राब लग रहा है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा ख़राब लगेगा, तुम थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करो, अपना टाइम दो, तुम्हें अच्छा लगेगा ना। तो वही है, अगर सपना है कि सर हम मैथ लिए हैं और मैथ में हम 100 में 100 में 100 लेके आएंगे, तो उसी के लिए देखो आज एक बताएंगे तरीका, उस तरीके को पूरा अच्छे सबको फॉलो करना है और जैसे कहेंगे वैसे करना है ना। तो देखो सबसे पहला स्टेप ये काम करो, सबसे पहला स्टेप ना कि सबको क्या करना है कि मैथ का जो सिलेबस है ना वो हमें अगस्त तक कंप्लीट करना है, ये टारगेट तुम सेट कर लो कि मैथ का सिलेबस हमें अगस्त तक कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर हम सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास टाइम रहेगा रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, टेस्ट लगाने का, एकदम फ्री माइंड होके। और जो टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, जिन टॉपिक में कुछ डाउट होगा, उन टॉपिक को दोबारा हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, तिबारा पढ़ सकते हैं, टाइम रहेगा ना। तो ये सिलेबस रखो टारगेट में, क्या हमें सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट करना है कैसे भी करके। और ये सिलेबस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो ये शिखर बैच 2025 है, इस बैच में जुड़ के मेरे साथ पढ़ के अपना मैथ का सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो और अपना लक्ष्य जो भी है 95 प्लस 100 प्लस
100% 100 एकदम वो बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। और मैथ में क्या हर एक सब्जेक्ट में ला सकते हो, क्योंकि हर एक टीचर बेस्ट है, सभी टीचर इस बैच में पढ़ा रहे हैं। देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, वन शॉट रिवीजन होगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा जाएगा एकदम बढ़िया से, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा जाएंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, और ये सिलेबस आराम से कंप्लीट हम करवा देंगे। करवाने के बाद जैसे हम बताएं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वो बताने जा रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं सर अभी हम पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, तो अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, हम लोग आराम से सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे बढ़िया से। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्लास में आना है, क्लास करना है, ठीक है, बस आज से शुरू कर देना, देर मत करना ना। ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो बढ़िया से। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, मैथ का फॉर्मूला, जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूला है ना सबको मैथ का फॉर्मूला कॉपी बनाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कैसे बनाना है, ध्यान सुनना, कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत लोग तो हैं सर जी पीडीएफ दे दीजिए, तो कोई पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ तुम ले लोगे, उसे डाउनलोड कर लोगे, लिख लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम अलग से एक फॉर्मूले कॉपी नहीं बनाएंगे, और ये कॉपी मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बुक से देख के पढ़ लेंगे हो जाएगा, सर बुक से नहीं देख के पढ़ना है, हमें खुद से अपनी राइटिंग में लिख के बनाना है फॉर्मूला। और कैसे बनाओगे देखो बता रहे, जैसे चैप्टर फर्स्ट हुआ, एक पेज हुआ, देखो जैसे ये एक पेज फर्स्ट पेज है ना, तो जो फर्स्ट पेज होगा ना इस पे तुम्हें लिखना है सारे फॉर्मूले को, या हो सकता है किसी किसी में दो पेज हो जाए, मान लो एक पेज या दो पेज में लिखना है सारा फॉर्मूला, लिख लोगे ना। उसके बाद क्या करना है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है ना, तो फर्स्ट चैप्टर का जितना फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूले को खुद से अपनी राइटिंग में लिखना है, समझे, लिखना है। तो एक पेज या दो पेज में लिखना है फॉर्मूला, मान लो दो पेज हो गया, ठीक है, उसके बाद इसी के जस्ट आगे दो पेज में, ठीक है, दो पेज में क्या करना है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिखना है, ये काम करना है। ऐसे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर हमें किसी चैप्टर को रिवाइज करना होगा ना, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि पूरा डिटेल से पढ़ें। अगर हमें शॉर्ट में कभी 10 मिनट में आधे घंटे में पढ़ना होगा, तो आधे घंटे में हम क्या करेंगे, इन सभी फॉर्मूले को पढ़ेंगे, फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे रहेंगे ना, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे कि यार हमें ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने आता है कि नहीं। हम क्वेश्चन को देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक, वो तरीका 4 से 5 सेकंड में अपने माइंड में ला पा रहे कि नहीं, अगर ला देंगे तो समझेंगे हाँ मेरा ये चैप्टर क्लियर है। और ऐसे कर करके हमें हर एक चैप्टर का नोट्स बनाना है, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला कॉपी अलग से लिखना है, दो पेज में या एक पेज में फॉर्मूला, और दो पेज तीन पेज में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना है, जिससे कि मतलब 4 से 5 पेज में एक चैप्टर अच्छे से शॉर्ट नोट्स बन जाए बढ़िया से एक फॉर्मूले के साथ, कि जब भी हमें रिवाइज करना तो पहले हम इसको रिवाइज करेंगे ना, ये काम करना है, ये 100% करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात रिविजन, देखो रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और सुनो रिविजन के लिए देखो हम क्या बताएं, कि अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि इतने क्लासेस होती हैं, हम क्लास कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो सर हमें अलग से तो टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का, तो हम बोलते हैं ठीक है अभी टाइम नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम करो, हमें रिविजन कैसे करना है, जैसे सुबह क्लास किए, तो एक चीज़ देखो होता है माइंड, कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़े हैं, जैसे अभी पढ़ें, अगर इसको अगर हम 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से दोबारा एक बार अच्छे समझ के पढ़ लेंगे ना, तो ये टॉपिक मेरा 100% क्लियर हो जाएगा। और देखो हम सबसे कहते हैं कि जब भी हम मैथ क्लास लेते हैं ना, तो मैथ का जब क्लास होता है, क्लास होने के बाद जब पीडीएफ मिले, तो पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड करके मत लिखा करो, कुछ देर बाद दोपहर में, शाम में या रात में टाइम फिक्स कर लो, कि रात में 20 से 30 मिनट का टाइम निकाल के, 20 से 30 मिनट का सर जी हम लोग टाइम निकालेंगे, और उस टाइम में जो भी सर आप क्लास में बताए रहेंगे उन सभी सवालों को हम खुद से करेंगे, उसका फेयर नोट्स बनाएंगे इस 20 से 30 मिनट में आराम से। तो इससे होगा क्या ना, कि सर हम एक ही चीज़ को एक दिन में दोबारा पढ़ लेंगे, और ये तो गारंटी है कि अगर हम सेम चीज़ को एक दिन में दोबारा पढ़ेंगे तो लगभग 80% 100% आ जाएगा।
बाद में और भी पढ़ेंगे, लेकिन सोचो हम एक टॉपिक को एक बार में एक ही दिन दो बार पढ़ के उसका 80% 90% क्लियर कर ले रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं, कभी कभी 100% भी क्लियर हो जाएगा, ये तो गारंटी है। तो ये काम ऐसे किया जाता है। तो ऐसे क्या होगा कि मेरा डेली डेली क्लास का रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से, हमें सब कुछ आ भी जाएगा ना। और मैथ को देखो स्ट्रांग बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका भी है रिवीजन, रिवीजन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ स्ट्रांग बनेगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है पता है, टाइम निकालना पड़ेगा, अगर टाइम निकालोगे प्रैक्टिस करोगे तो मैथ ऑटोमेटिक स्ट्रांग बनेगा, मैथ बिना प्रैक्टिस के स्ट्रांग बनेगा ही नहीं। बहुत लोग डरते हैं कि सर जी कैसे होगा, बोलो बोलो सर जी कैसे होगा, सब समझ नहीं आ रहा है। भाई करोगे तब ना आएगा, जैसे अब तुम बाइक है, हम बाइक चलाना सीख रहे हैं ना, तो हम सोचेंगे यार नहीं हम पहले बाइक के बारे में सबको जान जाए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, सबको जान जाए और एक ही बार में एकदम लग जाए चलाने, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। बाइक के बारे में तुम जान गए समझ गए तो उसे चलाओ ना, दो बार तीन बार चार बार पांच बार चलाओगे जाओगे तब ना आएगा। मैथ है तुम टॉपिक पढ़े फॉर्मूला पढ़े उसके सवाल कर लगाओ, दो बार चार बार पांच बार लगाओ, उसे ही बोलते रिवीजन, उसे ही बोलते रिवीजन, मतलब उसे कई बार रिवाइज करो, कई बार करो एक ही चीज को, तो जब करोगे तब ना स्ट्रांग बनेगा, गाड़ी एकदम चलाओगे लहरिया के नागिन की तरह एकदम ना। देखते हो ना वो कौन लोग होते हैं जो कई बार प्रैक्टिस किए होते हैं, जिनको डर नहीं होता है गिरने फिरने का। तो भाई तुमको डरना नहीं मैथ से, लगाना है और कम से कम चार बार पांच बार लगाओ, जो टॉपिक नहीं है तो उसको 10 बार लगाओ, देखो हो जाएगा। और टाइम है, टाइम का टेंशन मत लो, टाइम है आराम से कर लोगे ना जी, समझेगी नहीं, बोलो बात क्लियर है। चलो और सबसे लास्ट और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम बार बार कहते हैं, देखो टेस्ट, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं देंगे ना तुमको पता नहीं चलेगा, हमको लगेगा यार हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो एकदम तेजू खान है, हमको सब कुछ आ रहा है। और जितने भी लड़के देखो टेस्ट देते हैं ना, ये तो हम देखें जितने लड़के लड़कियां हमेशा रेगुलर टेस्ट देते हैं उनका ये होता है क्लियर कि यार उनका नंबर अच्छा आता है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि देखो जब हम किसी चैप्टर का टेस्ट देते हैं तो उससे पहले हम उस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं अच्छे से, तो जब तुम बैच में ज्वाइन होगे ना तो वीकली टेस्ट दोगे, जब वीकली टेस्ट दोगे तो जिस चैप्टर का टेस्ट हम लोग देंगे उस चैप्टर को भले हम एक हफ्ते ना पढ़े हो लेकिन उस एक दिन तो पढ़ेंगे, उस एक दिन के पहले 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, तो जो वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के उस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे फिर टेस्ट देंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से मस्त से, उसका अगर कुछ डाउट होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, तो वो चैप्टर मेरा 70-80% आराम से क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। हम पूरा 100% नहीं मान रहे, हम कभी मान रहे हैं, लेकिन इतना तो अगर एक चीज को जैसे हम डेली क्लास किए रिवाइज किए फिर प्रैक्टिस किए हैं फिर टेस्ट देते टाइम उससे पहले पढ़ रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं, तो इतना तो गारंटी है कि अब वो हमें चैप्टर 80% तक आ गया होगा ना, फिर बाद में तो पूरा आ ही जाएगा गारंटी है ना। तो ऐसे तैयार करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, समझाया। और सबसे लास्ट वाली बात ये है, देखो तो इतना ही काम करना है बस, ज़्यादा नहीं करना है। क्या क्या बोले, पहला पहला बोले ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है अगस्त तक, उसके बाद जैसे हम बताए हैं कि कैसे बनाना है फॉर्मूले का कॉपी, और फिर बनाना तुम्हें फेयर नोट्स अपना अच्छे से बढ़िया से ना, रिवीजन करना है एकदम बढ़िया ढंग से रिवाइज कर पाओ, और लास्ट में देना है टेस्ट। बिना टेस्ट कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम टेस्ट देंगे तो हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे और बढ़िया से रिवाइज करेंगे। और लास्ट में सबसे कहेंगे एक बार सभी लोग जाते टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सबका क्या टारगेट है। ऑप्शन नंबर ए टारगेट है कि ऑप्शन नंबर बी टारगेट है कि ऑप्शन नंबर सी टारगेट है, क्या टारगेट है ये कमेंट करके जाना ना बढ़िया से। और सभी लोग से ये कहेंगे जुड़े रहना साथ में बढ़िया से, साथ में आओ मिलते हैं पढ़ते हैं और मैथ में एकदम अच्छा नंबर फोड़ते हैं ना, डरते नहीं है, क्लियर है। तो भूलना मत अपना टारगेट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना बढ़िया से, ठीक है जी, समझे कि नहीं। और जो टारगेट कमेंट करोगे वो लेकर आना है और हमें एग्जाम बाद दिखाना है, ये जान लेना, और मेरे साथ जुड़े रहना है, लास्ट तक साथ में रहना है, जो पूछोगे वो बताएंगे और जैसे कहेंगे वैसे तुम्हें करना भी होगा ना। पूरे एक्सपीरियंस का यूज करो हमारे कि यार हम भी इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आए सबकी तरह, और सबसे अच्छा नंबर लेके आए, बस यही हमारा लक्ष्य है और कुछ नहीं। तो सब लोग साथ देना और हम सब लोग का साथ देंगे, उम्मीद करेंगे
कि सभी लोग मेरी बात मानोगे, मान लोगे तो मज़ा आ जाएगा ना। और अपना टारगेट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलो तो सभी को जय माँ सरस्वती एंड सभी को बाय बाय टाटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से।